दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज इलेक्ट्रिकल टिप्स चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी अगर मोटर वॉशिंग मशीन ख़राब है, उसमें अगर मोटर ख़राब हो चुकी है या आप किसी इलेक्ट्रिशियन से उसकी मोटर डलवा रहे हैं, तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपकी जो मोटर है वो ओरिजिनल डालने वाला है या लोकल डालने वाला है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों मैंने अपने पास एक लोकल मोटर रख रखी है, एक ओरिजिनल मोटर रख रखी है। इसमें से आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि आप ओरिजिनल मोटर को कैसे पहचान सकेंगे और आप लोकल मोटर को कैसे पहचान सकेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई बड़ी वाली बात नहीं होती है। आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये मोटर ओरिजिनल है और ये मोटर लोकल है। आपके साथ कोई भी ऐसी धोखाधड़ी वाली चीज़ नहीं होगी जिससे कि आपको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं आपकी वॉशिंग मशीन में और लोकल मोटर डल गई। ऐसी धोखाधड़ी वाली बात आपके साथ नहीं होगी कि आप अगर थोड़े से एक्टिव होंगे, आपके पास थोड़ी सी जानकारी होगी मोटर के बारे में। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों हम दिखाते हैं, एक ये हमारे पास लोकल मोटर है, इस पर हम एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो कुछ नहीं होती। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मोटर पर किसी भी प्रकार का लोगो नहीं है, सिर्फ गारंटी की ये डेट डाल दी है। ऐसी डेट मतलब लोकल मोटर पर ज़्यादातर होती है, गारंटी की कोई डेट नहीं है। यहाँ पर कोई चीट वगैरह या लोगो वगैरह नहीं है। तो दोस्तों ये होती है लोकल मोटर, ठीक है। और हम ओरिजिनल मोटर की जो है कनेक्टिविटी है, मतलब उसे दिखाते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल मोटर है। ओरिजिनल मोटर पर हमेशा इस प्रकार का डायोग्राम बना हुआ होता है, यानी कि मैन तार कौन सा होता है और नीला पीला मतलब रनिंग पनिंग का ये तार कौन से होते हैं। तो ऐसा डायोग्राम ओरिजिनल मोटर पर बना ही हुआ होता है। लोकल मोटर पर कभी भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है ऐसा डायोग्राम, सिर्फ डेट डाल दी जाती है और ये लोकल मोटर हो जाती है, ठीक है। लोकल मोटर इस प्रकार से होती है, इसमें कोई भी किसी पीच का लोगो नहीं है, ना ही कोई डायोग्राम है। इस प्रकार का इस लोकल मोटर पर कोई भी डायोग्राम नहीं है, जिस प्रकार से ये लोकल मोटर है। और ओरिजिनल मोटर को देख सकते हैं आप, अलग ही तरीके से ये ओरिजिनल मोटर दिख रही है और बहुत ही अच्छी होती है ये मोटर, चलती भी काफ़ी है ओरिजिनल मोटर। और इस पर डायोग्राम भी आप देख सकते हैं, इस पर ये डायोग्राम दिखा रहा है कि नीला कौन सा है, कौन से तार में ब्लू है या कौन से तार में कोई भी होता है। और अपने इस मोटर पर कंपनी का नाम भी प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर कंपनी का नाम भी प्रोवाइड किया गया और उसका अच्छी तरीके से डायोग्राम भी है। ये काफ़ी पुरानी मतलब मोटर दिख रही है अभी तक, और डायोग्राम भी कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। और ये हमारे पास एक लोकल मोटर है, इस पर कोई भी डायोग्राम ऐसा नहीं है। सिर्फ लोकल मोटर भी ऐसा नहीं है कि गारंटी में नहीं होती है, लोकल मोटर भी गारंटी में आती है। ये जो मोटर है हमारी 6 महीने की गारंटी में आई हुई थी और ये फूकने की वजह से इसको वापस मशीन में से खोला है, जिसकी वजह से ये डेट है। आप देख सकते हैं ऐसी डेट प्रोवाइड कर दिया खाली बस। और आपको एक ध्यान देने वाली बहुत बात और है, कभी भी ओरिजिनल मोटर की गारंटी नहीं आती है। ये ध्यान देने वाली आप लोगों की बात है कि कभी भी ओरिजिनल मोटर की गारंटी नहीं आती है, सिर्फ इस पर डायोग्राम बना हुआ होता है ये वाला। ये सिर्फ डायोग्राम ओरिजिनल मोटर पर बना हुआ होता है, बाकी कुछ नहीं होता ओरिजिनल मोटर पर। उसकी बनावट भी थोड़ी सी आप देखो एक मतलब अलग ही होती है, मतलब लोकल मोटर ऐसी होती है ना, ये देख रहे हो आप अच्छी तरीके से। और ओरिजिनल मोटर का जो बनावट है वो थोड़ी सी अलग ही होती है, और इस ओरिजिनल मोटर पर हमेशा एक डायोग्राम बना हुआ होता है, ठीक है। तारों का मतलब कैसे कैसे इसके तार हम वॉशिंग मशीन में लगाते हैं, उसी प्रकार का ये डायोग्राम बना हुआ होता है ओरिजिनल मोटर पर, बाकी लोकल मोटर पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूँ कि आप ये वाले जो तार हैं किस प्रकार से इन्हें पहचान सकते हैं, मोटर फूकी हुई है या ठीक है। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।